Question number 28. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that numbers are in the ratio in bracket 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. बच्चों कहा गया है कि दो नंबर का सम, वो नंबर हमें पता नहीं है अभी, उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स हैं, तो उनका रेशो आपको शो करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो पहले हम वो नंबर्स मान लेते हैं. लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ए एंड बी इज इक्वल टू रूट ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स रूट ए बी, ये गिवन है कि सम जो है ए बी का सम ज्योमेट्रिक मीन का कितना बच्चों 6 टाइम्स है. अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं. अब इसका अरेंजमेंट देखते चले आप. ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट ए बी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम. अब इसे जो है 2 रूट ए बी को इसके अपॉन में ले आइए, तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3. ओके, अब आप जो है अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रोल. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. और बच्चों यहां 3 के अपॉन में 1 ले सकते हैं आप, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1. क्लियर हो पाया बच्चों को कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में. अब इसके बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए को लिख पाएंगे आप रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 2 रूट ए और रूट बी. भाई इसे रूट ए स्क्वायर ले सकते हैं, इसे रूट बी, और ये रूट अलग अलग कर लीजिए तो 2 रूट ए रूट बी हो जाएगा. इसी प्रकार से नीचे रूट ए रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 2. 3 प्लस 1 ये 4 हो गया और 3 माइनस 1 ये हो गया बच्चों 2. ओके, अब बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी की होल पावर 2. इसी प्रकार से नीचे रूट ए माइनस रूट बी होल पावर 2 इज इक्वल टू 2. समझ में आ रहा कुछ भाई? यहां ऊपर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, जबकि ए क्या है रूट ए, बी क्या है रूट बी, और इसी प्रकार से नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया. अब बच्चों स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2. और क्योंकि हमें कंपोनेंट और डिविडेंड दोबारा लगाना है, तो इसके अपॉन में आप 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं. स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट 2 बचेगा और अपॉन में 2 और ले लिया, ताकि हमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने में दिक्कत ना हो. अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी. भाई एक बार इन दोनों को प्लस कर लिया, इसे और इसे, अब एक बार डिफरेंस लेंगे तो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, और इसी प्रकार से यहां रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. तो आप देख पा रहे हैं चूंकि रूट बी से रूट बी कैंसिल और रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो ऊपर बच्चों हो जाएगा यहां 2 रूट ए और नीचे हो जाएगा बच्चों रूट बी और ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1. 2 से 2 कैंसिल बच्चों, हमें ए और बी का रेशो चाहिए, लेकिन यहां स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ऐसा करिए स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा ए अपॉन बी और इस तरफ हो जाएगा बच्चों रूट 2 प्लस 1 होल पावर 2 और रूट 2 माइनस 1 होल पावर 2. ए अपॉन बी इज इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो हो जाएगा रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू रूट टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट टू होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू रूट टू. एम्प्लाइज ए अपॉन बी इज इक्वल टू, बच्चों क्या टू प्लस वन प्लस टू रूट टू, और इसका जब स्क्वायर करेंगे आप रूट टू का तो टू हो जाएगा टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, तो ये हो जाएगा बच्चों टू प्लस वन, सिर्फ ये आपस में ऐड होंगी तो हो जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू और अपॉन में हो जाएगा बच्चों थ्री माइनस टू रूट टू. एम्प्लाइज ए रेसो बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू रेसो थ्री माइनस टू रूट टू, हैंस प्रूव्ड.